परीक्षित जी के मन में भाव थे। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, इस सृष्टि की संरचना कैसे हुई, किसने की, ये सृष्टि की वृद्धि कैसे हुई, सारे प्रश्न मन में जो थे वो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने रखे और वो समाधान करते जा रहे हैं, ये प्रश्न करते जा रहे हैं, अपने मन की भ्रांतियों को दूर करते जा रहे हैं। कथा वही है जो समस्त व्यथाओं को दूर कर दे, भ्रांतियों को दूर कर दे। ये संवाद है, कथा एक संवाद है। भक्त के मन में कोई जिज्ञासा उठी और फिर संतों ने उसका निवारण कर दिया। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, संपूर्ण जगत का नियंता वही एक परमात्मा है। परमात्मा कोई 10-20 नहीं है, कितने हैं? ईश्वर एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। लेकिन वही ईश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा कहलाता है, वही परमात्मा जब पालन करता है तो विष्णु बन जाता है, और वही परमात्मा जब संहार करता है तो रुद्र बन जाता है। परमात्मा तो वही एक है, लेकिन उसकी शक्ति अलग अलग स्वरूपों में, नामों से विभाजित होती चली जाती है। वही परमात्मा 33 कोटि देवताओं के रूप में भी प्रकट होता है। वही परमात्मा हमारे भीतर बैठकर इस पिंड को भी चला रहा होता है, और वही परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को भी चला रहा होता है। वही परमात्मा है, ईश्वर एक ही है। वही जब मेरी वाणी पर बैठता है तो वाक शक्ति कहलाता है, वही मेरे कानों में बैठता है तो श्रवण शक्ति कहलाता है, वही मेरी दृष्टि में बैठता है तो प्रकाश कहलाता है, वही मेरे हाथों में बैठता है तो कर्म बन जाता है, वही मेरे पगों में आता है तो परिश्रम बन जाता है, वही मेरे मन में बैठता है तो मनन हो जाता है, चिंतन हो जाता है, वही मेरे चित्त की चेतना में समाहित हो जाता है, वही मेरे भीतर प्राण शक्ति बनकर विराजमान होता है, वही संपूर्ण पिंड में भी व्याप्त है। पिंड कहते हैं शरीर को, और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में भी व्याप्त है। उसी का उजाला हमारी आंखों में है, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं। नहीं तो जब ये भीतर से उजाला चला जाता है ना, आत्मस्वरूप, तब ये आंखें तो रहती हैं पर इनसे कुछ दिखाई नहीं देता। जब भीतर से भगवान निकल जाता है ना, तो कान तो रहते हैं पर कुछ सुनाई नहीं देता। ये हाथ तो रहते हैं पर इन हाथों से कुछ करने में समर्थ नहीं होते हैं। ये संपूर्ण शरीर होता है पर अब ये शरीर शव बन गया होता है, क्योंकि इसके भीतर से वो प्रकाश निकल गया, वो परमात्मा चला गया, वो ईश्वर चला गया। वो ईश्वर ही है जो हमारे भीतर बैठ करके हमको चला रहा है। हमें लगता ये है कि हम खुद चल रहे हैं, हमें लगता ये है कि हम खुद सब कुछ कर रहे हैं, पर कभी चिंतन करना, जब खुद कर रहे होते तो मुर्दा क्यों नहीं कर पाता? ऐसा क्या था उसके भीतर? वो राम ही थे, वो परमात्मा ही था जो उसके भीतर से अब निकल गए। अब इसकी कोई कीमत नहीं है, अब बस राख बनेगी दो मुट्ठी की, और इसकी अब कोई कीमत नहीं, और कुछ बचता नहीं है। इसलिए संपूर्ण जगत में उसी की सत्ता है। लोग कहते हैं वो दिखाई नहीं देता, जरा चिंतन करके देखो, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ईश्वर नहीं है? कौन सी ऐसी जगह है? पर हर चीज इन आंखों से दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, फिर भी है कि नहीं है, फिर भी होती है। उदाहरण के लिए कई बार समझाते हैं कि हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस तो होती है ना। पंखा चलता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन इसके द्वारा जो हवा आप तक पहुंच रही है वो हवा कहाँ दिखाई दे रही, बोलो? लेकिन हवा है कि नहीं है, बस महसूस हो रही है। आपके शरीर के किसी भी हिस्से में जोर से दर्द हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो कि मेरे दर्द है, डॉक्टर कहे कि पहले दर्द दिखाओ, आप बता सकते हो लेकिन दिखा नहीं सकते। आप बता तो सकते हो मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, आपको महसूस हो रहा है, लेकिन डॉक्टर कहेगा कि दिखाओ तो सही कैसा दर्द है,
दर्द का रूप क्या है, रंग क्या है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है। आप कहोगे कि अजीब डॉक्टर है, बस महसूस हो रहा है कि दर्द है, वो डॉक्टर बस उसी को अनुभव करके फिर दवा भी देता है। परमात्मा भी अनुभव का विषय है, इन आंखों का विषय जगत है, संसार है, वो बाहर का विषय है नहीं, वो भीतर का विषय है। इसलिए भीतर की आंखें संत जन, ऋषि जन हमारी जब खोल देते हैं, भीतर के कपाट जब खुल जाते हैं, तो फिर वो दूर नहीं, हमारे बहुत नजदीक दिखाई देता है। ये सत्य मानिए, जब ईश्वर को खोजने निकलोगे, कितना भी खोजोगे, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी खोजने के लिए निकलते हैं ना, बहुत बहुत दूर जाते हैं, कोई जहां बता देता है वहीं चल देते हैं कि देखो कहीं तो मिलेगा, खोजते हैं ना। कितने लोग वृंदावन गए बताओ, सब लोग वृंदावन जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि बांके बिहारी मिलेंगे, इसीलिए ना, बांके बिहारी का दर्शन करना है, ठाकुर जी का दर्शन करना है। अच्छा बताओ, दर्शन हुए कि नहीं हुए? सोचो, जिस बांके बिहारी को आप वृंदावन में ढूंढ रहे थे, वो बांके बिहारी हर समय आपके साथ ही थे, ये पता नहीं लगा पाया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो मूर्ति जो ठाकुर जी की है, उसके पटबंद मिल जाए, ना दिख पाए वो, लेकिन आपके भीतर के कपाट यदि एक बार खुल गए, तो हर समय उसका अनुभव होता है। फिर जब रास्ते से जाओगे, तो रास्ते की धूल में भी तुम्हें भगवान दिखाई देगा, चलते हो खिलते हुए फूल में भी भगवान दिखाई देगा, इन पत्तों की कतरन में भी परमात्मा दिखाई देगा। कभी ध्यान से गौर से देखना, वृक्षों को देखोगे तो भगवान दिख जाएगा, पशु पक्षी जीव जंतु सब में ईश्वर का दर्शन होगा। और ऐसा हुआ है, तुलसीदास जी इसीलिए कह पाए होंगे कि सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बने, सिया राम मय सब जग जाने। ऐसा हुआ होगा तब तो कह पाए होंगे, तुलसीदास जी को सब में दिखे होंगे तब तो कह पाए होंगे। हमको दिखते हैं क्या सब में? हम ऐसा अनुभव करते हैं क्या, जो हमारी बगल में बैठा है इसमें भी भगवान है? बोलो, नहीं। ऐसा अनुभव हो तो कोई किसी से कभी शत्रुता नहीं करेगा, कोई किसी से वैर रख ही नहीं पाएगा। सब में ईश्वर का यदि दर्शन करने लग जाओ, पत्नी में भी वही है, पति में भी वही है, पड़ोसी में भी वही है, संतानों में भी वही है, हर रूप में वही है, छोटे बड़े रूप में वही, सब में वही सत्ता विद्यमान है। तब आज जो हम ऐसे उखड़े उखड़े से जीते हैं, ऐसे कभी नहीं जिएंगे, फिर आनंद में जिएंगे।